एक्ट्रेस और मॉडल उर्फी जावेद किसी न किसी वजह से हमेशा सुर्खियों में बनी ही रहती हैं। अतरंगी फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में छाई रहने वाली उर्फी जावेद लगातार विवादों में भी बनी रहती हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है उनके कपड़े और दूसरा उनका बेबाक अंदाज। अब उर्फी का एक वीडियो सुर्खियों में है, जिसे लेकर काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उर्फी को सच में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और अगर गिरफ्तार किया भी है तो किस जुल्म में। अक्सर अपने अतरंगी कपड़ों की वजह से चर्चा में रहने वाली उर्फी जावेद को लेकर फैंस हक्का बक्का रह गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाती दिख रही है। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा सागर। पेपराजी ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें रेस्टोरेंट में मौजूद उर्फी जावेद को थाने ले जाने के लिए पुलिस आती है। अब उर्फी जावेद का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मुंबई पुलिस की महिला पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर जाती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि उर्फी डेनिम पैंट के साथ बैकलेस टॉप पहने हुए नजर आती है। इस दौरान महिला पुलिस आती है, उर्फी जावेद को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहती है, तो वो कारण पूछती है। इस पर महिला पुलिस कहती है कि इतने छोटे छोटे कपड़े पहन सुबह कौन घूमता है। उर्फी जावेद कहती है कि ये किसका ऑर्डर है। महिला पुलिस कहती है कि जो भी कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहना, और उनका हाथ पकड़कर पुलिस की गाड़ी में बिठाती है और लेकर आती है। इसके बाद उर्फी जावेद लगातार थाने जाने से मना करती है, लेकिन वो दोनों पुलिस ऑफिसर नहीं मानती और एक्ट्रेस को गाड़ी में बिठाकर रवाना हो जाती है। तब उर्फी कहती है कि आखिर ये क्या बदतमीजी है। वीडियो सामने आने के बाद उनके फैंस भी खासा चिंता में आ गए हैं। अब इस वीडियो को लेकर सच्चाई क्या है ये तो नहीं मालूम, लेकिन उर्फी जावेद को लेकर यूजर्स हैरान जरूर है कि ये अचानक हुआ क्या। सभी फैंस सवाल कर रहे हैं कि क्या सच में जो वीडियो में दिखाया गया है वो सच है या फिर ये कोई प्रैंक है। ज्यादातर लोगों को ये प्रैंक ही लग रहा है। एक यूजर ने लिखा कि 50 रुपए काट इसकी ओवर एक्टिंग के। मगर अभी तक आपको बता दूं कि उर्फी जावेद की तरफ से कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने सितंबर में उर्फी जावेद के फैशन सेंस को लेकर उनके खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद उर्फी जावेद को बांद्रा पुलिस स्टेशन में स्पॉट किया गया था। खैर, आपको क्या लगता है, क्या सच में उर्फी जावेद को अरेस्ट कर लिया गया है या फिर ये सिर्फ एक प्रैंक है? कॉमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियोज के लिए देखते रहिए द वोकल न्यूज़।